पवन सिंह और सारेगामा के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम मेहरा के साथ एक बहुत ही प्यारी मुलाकात हुई है। नवरात्र के पहले दिन इनकी इस मुलाकात में पवन सिंह उनके साथ देखे जा सकते हैं, एक प्यारा सा गिफ्ट शेयर करते हुए भी। आपको यहाँ ये बता दें कि सारेगामा से पवन सिंह का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। वैसे इन दिनों पवन सिंह ब्लास्ट कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि पवन सिंह का पहला देवी गीत जो है वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अभी तक जितने भी कलाकारों का देवी गीत रिलीज हुआ था, किसी भी कलाकार का एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ था, लेकिन पवन सिंह पहले कलाकार ऐसे बने इस साल जिसका एक दिन में, या यूं कह ले कि 8 घंटे में ही 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। आपको बता दें कि ये गाना बड़ी तेजी से व्यूज वाइज आगे भी बढ़ रहा है। हाँ, ये बात और है कि काफ़ी लोगों को ये गाना नहीं पसंद आया, कॉन्सेप्ट नहीं पसंद आया इस बार का। पवन सिंह के जो हमेशा देवी गीत होते काफ़ी सोलफुल होते हैं, इस बार थोड़े से अटपटे से लगे, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों को महसूस भी हो रहा है। लेकिन हो सकता है उनका जो दूसरा, तीसरा या चौथा देवी गीत आए तो वो और इससे बेहतर हो। लेकिन ओवरऑल इस अगर देवी गीत की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का दिल जीतने में ये देवी गीत बहुत कामयाब रहा है। लेकिन फैंस उनके सेकेंड देवी गीत का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो किस तरह का होगा, किस तरह से पवन सिंह ने उसे एक नया कलेवर दिया होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। खैर, इस वक्त अभी ये अपडेट है कि पवन सिंह लगातार कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि पवन सिंह आगे क्या नया क्रिएट करते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।